विश्व वॉर्ड फर्स्ट प्राइज मिला। हम उसको 25,000 देता है, 18 साल में अगर वो पढ़ाशुना करते है, शादी नहीं करते है तो उसको हम स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर पूरा बिना पैसा में पढ़ाता है, स्कॉलरशिप देते है। अपने अपना बजट क्या है, 100 करोड़ बजट है तो 75 करोड़ आप उसको एडवर्टाइज में चला देते है, 5 पैसा भी नहीं मिलते है। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी हटाओ देश बचाओ ऐसा करते हैं। उन्नाव में ऐसा ही किया, हकरास में ऐसा ही किया, जिंदगी जला दिया। कितना एनकाउंटर के नाम पे कितना आदमी को आप मारा। एनआरसी का मूवमेंट का टाइम मैंने देखा, हम भी एनआरसी का मूवमेंट में थे। मैंने एनआरसी, हम चाहते हैं हमारा देश में चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यूथ हो, सब एक साथ में रहे अच्छा रहे। आप लोगों ने देश बंटवारा का काम किया, इतिहास को बंटवारा का काम किया, इतिहास को भी आप चेंज कर रहा है, स्टेशन का नाम चेंज कर रहा है, रेल भवन का मापिक हेरिटेज भी नष्ट कर दिया, शहीद ज्योति का मापिक अमर ज्योति भी नष्ट कर दिया। आप सब कुछ नष्ट कर सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया था, आज वो बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के लेके अब खेल रहा है, उसके साथ खिलवाड़ी कर रहा है, कोई कानून नहीं मानते। अब कानून हिफाजत करते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं। इकबाल का एक शायरी था, वो शायरी ये है कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, उसको मां का देहांत का बाद लिखा था। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं जब तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी। आज ये ना हो जो देश आजादी हुआ, जो देश में लोकतंत्र है उसको पूरा खत्म करके नाश करके ये ना कहो कि देशवासी आप चल बसी और वो चलेगा अकेला, ऐसा नहीं हो सकता है। देश संभालना मुश्किल होता है। देश का नेता कैसा हो, गांधी जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, नेताजी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, आपका उत्तर प्रदेश कितना बड़ा बड़ा नेता का जन्म दिया है। देश का नेता कैसा हो, लाल बहादुर जैसे हो। देश का नेता कैसा हो, जय जवान जय किसान जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, चरण सिंह जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, रविंद्रनाथ जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, तुलसीदास जैसा हो। देश का नेता कौन कैसा हो, हम हर धर्म को मानते हैं, हम धर्म को हम पूजा करते हैं, हम पूजा पाठ करके घर से निकलते हैं, लेकिन हम अंबेडकर को भी पूजा करते हैं। हम दलित भाई बहन को कहने चाहूंगी कि आप लोग भी सोचे कि आपका इधर का जो लीडर है कोई काम नहीं करते हैं, बीजेपी का पास पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसे यूपी नहीं चलेगा। मां बहन को मैं कहने चाहूंगी, चाहे झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आपका यूपी का जो लड़की ने जिसको जिंदगी जला दिया रास्ता पे, आज मां बहन और रोमियो क्या भाईनी बना के नाम पर बेटी हटाओ और बेटी बचाओ कर रहे हैं। एनकाउंटर करके लोग मारने का जरूरत क्या है, तुम कानून से काम लो।
कानून से कम लो। अगर कोई पुलिस बात नहीं सुनते हैं तो उसको खिलाफ में भी आप ऐसा ही करते हो, आप मीडिया को बात नहीं करने देते हो, आप एक्टिविस्ट को बात नहीं करने देते हो, आप स्टूडेंट को बात नहीं करने देते हो। बंगाल में जाके कहा ममता जी ने तो दुर्गा पूजा करने नहीं देता। अब देखिए मुख पे कैसा थप्पड़ पड़ा, यूनेस्को हेरिटेज माना दुर्गा पूजा का बंगाल को, शर्म है, माफी मांगो झूठा बात कहने के लिए। हमारा घर घर पर सरस्वती पूजा होता है, कोई शिव पूजा करते हैं, कोई राम सीता का पूजा करता है, कोई बजरंगबली का पूजा करता है, कोई गणपति का पूजा करता है, कोई रक्षमाकाली का पूजा करता है, कोई विष्णु माता का पूजा करता है, कोई चमुंडा काली करता है, कोई माँ दुर्गा करता है, कोई लक्ष्मी नारायण करता है, कोई राधा कृष्ण करते है, कोई आजान पढ़ते है, कोई भगवत पढ़ते है, कोई ग्रंथों साहिब पढ़ते है, कोई अंबेडकर करते है, हर आदमी का हौक है। आज सुबह में ब्राह्मण समाज हमारा पास मिलने के लिए आए थे, उन्होंने भी मेरे को बताया कि हम आपको आने पर हम अखिलेश जी को पूरा सपोर्ट करेंगे, आई एम ग्रेटफुल टू देम। देख लो सब कास्ट को हम अच्छा से रखे। एक माला तब बनते हैं जब बहुत सारे फूल लेकर एक 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 करके एक माला गाते हैं। खाली एक से नहीं होता, परिवार में एक ही आदमी नहीं रहता, पिताजी रहता है, माताजी रहता है, भाई रहता है, बहन रहता है, चाचा रहता है, चाची रहते है। हमारा शरीर देखिए, हाथ है, पा है, आंख है, चूल है, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, सब कुछ है। इसी के लिए हमारा पूरा इंसान है, इसी के लिए हम कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कहेंगे, हम कम्युनल पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, और झूठा पॉलिटिक्स है बीजेपी का, और धर्म को भी उल्टा रूप देता है, असली हिंदू धर्म को वो नहीं मानते हैं। हम कम्युनल पॉलिटिक्स को बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो आदमी भूखा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, हम बेरोजगारी का बात करेंगे। अगर अखिलेश जी जीते तो बंगाल और यूपी मिलके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट बना सकता है, आपका यूपी से, लखनऊ से बहुत सारे यूनिट, इलाहाबाद से लेदर इंडस्ट्री हमारा बंगाल में अभी गया और 5 लाख नौकरी भी हुआ, हम लोग एक साथ में काम कर सकता है। यूपी में इतना टूरिस्ट स्पॉट है, बंगाल में इतना टूरिस्ट स्पॉट है, हम पूरा हिंदुस्तान को जोड़ सकता है एक साथ में काम करने का बाद। हमारा इतना यूनिवर्सिटी है, आपका भी कितना जाने माने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपका जो बहुत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। हम भी हमारा स्टेट में नया 40 यूनिवर्सिटी बनाया, हमका कन्याश्री नाम पे यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर पर नाम के यूनिवर्सिटी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम पे यूनिवर्सिटी है, हमारा गांधी जी का नाम पे है, नेताजी का नाम पे है। हर जगह में जो इम्पोर्टेंस रहता है हर जगह, जैसे राजेंद्र बाबू राजेंद्र प्रसाद के लेकर सब सबको लेके करते हैं। जाट लोग क्या मेहनत नहीं किया किसान आंदोलन में, 7 महीना हमारा किसान लोग रास्ता में पड़ रहा है, और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गाड़ी चला के उसको मार दिया, माफी तो मांगो, शर्म है, कोई शर्म है तो माफी मांगो। पहले किसान आंदोलन को साथ में पहले भी थे, मैं 26 डे संघर्ष स्ट्राइक किया था किसान का जमीन बचाने के लिए। आज भी कहने चाहूंगी किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। आज वोट के लिए और किसान के आंदोलन के लिए 3 बिल वापस किया, लेकिन कल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से। पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग खतरा है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक
खतरा पार्टी बन गया है। अगर आप खतरा से निभा सकता है तो आपको ही अपना पाए पे खड़ा होना पड़ेगा। हम तो मां बहन को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, मिनती करने चाहूंगी कि आप लोग हमारा देश को आगे ले गया, आगे बढ़ा सकता है। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए तो ये बीजेपी हार जाए। हम हमारा स्टेट में लक्ष्मी भंडार बना दिया, ये नोटबंदी करके महिला का रुपया छीन लिया। तो मैं इसी के लिए जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है ओबीसी है, मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को महीना में 1000 रुपया करके देता है, और जो ऐसे जनरल कास्ट है उसको भी 500 रुपया करके हर महीने महिला को दे रहा है। अब भी ऐसा प्रोग्राम बनाओ, एकदम लक्ष्मी भंडार, जो लक्ष्मी हमारा घर में है, माँ बहन को दो, स्टूडेंट को दो। हम स्टूडेंट के लिए 10 लाख रुपया का क्रेडिट कार्ड बनाया, साइकिल दिया, टैब दिया, बिना पैसा में पढ़ाशुना कर दिया, स्कॉलरशिप दिया, पूरा दिया, पूरा दिया। लेकिन हमने जो किया कि उसको लिए 10 लाख रुपया का स्मार्ट कार्ड बनाया। एक बच्चा लोग 40 साल तक अगर स्कूल में पढ़े, अगर कॉलेज में पढ़े, अगर आईटीआई में पढ़े, अगर पॉलिटेक्निक में पढ़े, अगर स्किल ट्रेनिंग ले, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो उसको कोचिंग का फीस मिलेगा, उसको पुस्तक खरीद करने का पैसा मिलेगा, उसका बहुत सारे खर्चा मिलेगा। इधर से 10 लाख रुपया करके उसको क्रेडिट कार्ड, और गवर्नमेंट इज द गारंटर। उसको पिताजी माताजी को अभी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, दे आर सफिशियंट, आत्मनिर्भर इसको कहता है। पहले स्टूडेंट को आगे बढ़ाओ। और मेरे को पता है कि यूपी का स्टूडेंट लोग बहुत मजबूत है, ईश्वर अल्लाह का अल्लाह मेहरबान कि हमारा नौजवान बहुत मजबूत है। इसको लिए स्मार्ट कार्ड बनाओ 10 लाख रुपीस करके, पिताजी माताजी को चिंता करने का जरूरत नहीं होगा। कैसे वो लैपटॉप खरीदेगा, कैसे स्कूटी खरीदेगा, सब एक साथ में हो जाएगा। वो बीजेपी का भीख मांगने का जरूरत नहीं है। इतना दिन जॉब नहीं किया, इतना दिन जॉब नहीं कर पाया, आज ये बात करते हो, बोलते हैं हम क्या बनाया, वो एक क्या शास्त्र साथी क्या है, वो एक बनाया क्या कार्ड बोलते हैं आयुष्मान। 40% स्टेट को देना पड़ता है, और वो 60% देगा और उसका नाम होगा। हम नहीं किया, क्यों 40% हम देगा और तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा चर्चा होगा। हमने शास्त्र साथी कार्ड बना दिया, हर परिवार को 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मैं दे दिया, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पैसा हमारा उधर में नहीं लगता, पूरा बिना पैसा में, चाहे किडनी ऑपरेशन हो, चाहे हार्ट ऑपरेशन हो। ऐसा काम करो, झूठा मत बोलो। अभी हम दुआरे सरकार करते हैं तो बोलता है डाकघर दुआर में जाएगा, सब हमको नकल करते हैं। अरे नकल करो, अच्छा चीज नकल करो, मर्डर मत तो करो, महिला को बेइज्जत तो मत तो करो, नोटबंदी तो मत करो, एनआरसी तो मत करो, लोगों को कोविड में गंगा में भाषा तो मत दो, और बंटवारा मत करो। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा। राजनीति का रूप में, अर्थनीति का रूप में, हर जगह में इसको कुछ आता नहीं है, इसी के लिए उसको जाता है। जाने दीजिए, जो जाने चाहते हैं उसको जाने दीजिए। मेरे को ये भरोसा हो गया, मैं थोड़ा इलेक्शन को पहचानती हूं कि मैं भी 7 दफे पार्लियामेंट का एमपी थे, मैं भी रेल मिनिस्टर 2 दफे थे, मैं भी कोल माइंस मिनिस्टर थे, मैं भी वुमेन चाइल्ड मिनिस्टर थे, मैं भी यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मैं भी स्टैंडिंग कमिटी का चेयरमैन थे, और 3 दफे इलेक्शन हम चीफ मिनिस्टर है इसी के लिए कि
तीन दफे इलेक्शन हुआ था चुनाव पार्लियामेंट का, तीन साल में, इसी के लिए मेरे को 7 दफे उधर में हो गया और 3 बार हम एमएलए में आ गया, 10 दफे इधर में हो गया। मैंने हिंदुस्तान को पहचानता है, तो इसी के लिए हम हिंदुस्तान को पहचानता है, इसी के लिए मेरे को आंखों में कहता है कि आपका दिशा यही होगा, यूपी में वोट बंटवारा नहीं होगा। बंगाल में बीजेपी रुपया देके बहुत कोशिश किया लेकिन 1:1 हो गया, इधर में भी 1:1 होने वाला है और अखिलेश जी वोट में जीतने वाला है और समाजवादी पार्टी जीतने वाला है, ये इतिहास होगा। अगर बंगाल ये काम कर सकता है तो यूपी जरूर कर सकता है, आप कर लीजिए, आपको चिंता करने का किसी का जरूरत नहीं है, कोई कास्ट को जरूरत नहीं है चिंता करने का। कास्ट बीजेपी का पास क्या होता है इलेक्शन का टाइम में मेरे को पता नहीं है, उसको भाषा थोड़ा मेरे को कम समझ में आता है, लेकिन हर कास्ट हमारा गौरव है और जो पुअर है गरीब जनता है उसी के लिए हमारा दिल रोता है। इसी के लिए मैं कहने चाहूंगी कि सार पड़ोसी का तमन्ना, सार पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका, बाजुए कतिल में है, हम लोग देखेंगे कैसे लड़ाई में लड़ाई का तारा करेंगे। और डराएंगे सेंट्रल एजेंसी को देके, आप डरो मत, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत आने वाला इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का अखिलेश साथ में होता है और बीजेपी का साथ नहीं, ये नारा आपको घर घर में देना है, घर घर में एक ही आवाज, अखिलेश जिंदाबाद, उसको लड़ने दो, उसको आगे बढ़ने दो। हम लोगों ने जो सीनियर पॉलिटिशियन है हम पूरा पूरी उसको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यूपी हमारा माँ है, हमारा अम्मा है, हमारा मदर है, हमारा जो भी आप कहते हैं, कोई जय जोहार कहते हैं, एक एक भाषा में रूप देते हैं, लेकिन ये बात मत सोचो कि यूपी छोड़ के हम बात सीखते हैं। यूपी हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हृदय है, बंगला अगर हमारा एक हार्ट है तो यूपी भी मेरे को एक हार्ट है, और यूपी अगर अच्छा रहे तो देश अच्छा रहे, यूपी देश को बचाते हैं। चुनाव का टाइम में कोई संत बन जाता है, चुनाव का टाइम में संत बनना वो असली संत नहीं होता है, असली संत को तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो 365 दिन संत बनता है पब्लिक के लिए। आज लोगों ने भूखा मरते हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है, मां बहन का सम्मान नहीं है, लोगों ने मूवमेंट करते हैं तो गोली करके मर देता है। मैंने ये भी सुना, एक प्रेस रिपोर्टर मेरे को बताया कि अखिलेश का पार्टी ऑफिस का सामने में कोई गाड़ी खड़ा होता है किसी का, तो उसका खिलाफ में भी केस कर देता है। ये पुलिस का गलती नहीं है, गलती तो गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देके किया है। हमारा स्टेट में भी पूरा भारत सरकार थे इलेक्शन करने के लिए, और थे बहुत रुपया लेके थे, और हमारा घर घर में सब लोगों को सीबीआई कर दिया, ईडी कर दिया, क्या नहीं कर दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना एट्रोसिटी किया, लेकिन तब भी जनता ने उसका बात नहीं सुना, जनता ने हम लोगों को वोट दिया। इसी के लिए मैं, मेरे को जितना भी भाई बहन है हर कास्ट का, जाट लोगों ने आपको तो दिल है लड़ाई करने के लिए, आप कभी सिर झुकाते नहीं है, मैं आपको सैल्यूट करते हैं, आप रहिए, आप समाजवादी को वोट दीजिए। हमारा माइनॉरिटीज जितना भाई बहन है, मैं आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग इकट्ठा होके और किसी को नहीं, समाजवादी पार्टी को ही वोट दीजिए। हमारा जितना
और भी कास्ट है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ठाकुर हो, मेरे को तो सब पता नहीं है। मैं अगर किसी को नाम नहीं ले पाया तो उसी के लिए मेरे को क्षमा कर दीजिए, आहिस्ते आहिस्ते मैं पूरा सीख जाऊंगी। लेकिन हर कास्ट के लिए मैंने कह चाहूंगी कि हर घर महादेव हम लोग जैसे करते हैं, ऐसे हर हर महादेव कह के हम आप लोग को कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़े, दिल से आगे बढ़े, इंसानियत से आगे बढ़े। और एक बात याद रखिए, वो टॉर्चर करेगा, डोंट केयर। चुनाव का पहले दिन बहुत सारे एरिया में जाके जाके उसको सेंट्रल एजेंसी इलेक्शन का नाम पे बहुत बहुत गंदा गंदा बात करते हैं, निकालने नहीं देता है, लेकिन आपको निकालना है। अगर 365 दिन अच्छा रहना है तो एक दिन के लिए निकालना है। नया सुबह अगर देखना है तो रोशनी ले आइए। और उत्तर प्रदेश का रोशनी कौन ले आ सकता है? अखिलेश ले आ सकता है, उसको टीम ले आ सकता है, वो सबको साथ मिलके काम करता है, ये सबसे बड़ा उसका हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी के लिए देखिए, हम गोवा में भी हमारा पार्टी लड़ते हैं, लेकिन मैंने नहीं गया, मैं यूपी में आया इसी के लिए कि यूपी का लड़ाई इज्जत का लड़ाई है। यूपी में अगर अखिलेश जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएंगे, आप वेस्टर्न यूपी पीयूपी फास्ट वोट करेंगे, आप रास्ता दिखा दीजिए, आप दिशा दिखा दीजिए, हर प्रांत यूपी का आपको ही फॉलो करेगा। यू लीड एंड ऑल विल बी द लीडर, आपको लेके हर आदमी एक साथ में काम करेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। और ये भी विश्वास है कि आप जीतेंगे, और जीतने का बाद मैं फिर आएंगे, जीतने का बाद मैं फिर आएंगे कि हम लखनऊ में, लखनऊ का चिकन बहुत पसंद करते हैं, चिकन का काज, लखनऊ चिकन, हमारा उधर में भी चिकन का बहुत सारे सप्लाई होता है, आपका भी बहुत ट्रक जाता है हमारा उधर में बॉर्डर में। हमको आज सुबह में लोकेश और राजेश त्रिपाठी जी भी बता रहे थे, हम उसको साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मीटिंग भी करा देंगे ट्रक ओनर्स के लिए, जैसे आपको दिक्कत ना हो। आपका बॉर्डर हमारा बॉर्डर बराबर है, आपका गंगा हमारा गंगा बराबर है, आपका हृदय हमारा हृदय बराबर है, आपका संस्कृति हमारा संस्कृति बराबर है, आपको रिश्ता हमारा रिश्ता बराबर है। अगर सब बराबर है तो बंगाल जो किया है वो भी आप करके दिखाइए। अगर ये आप कर सकता है तो और कुछ का जरूरत नहीं है, बाद बाकी डेवलपमेंट हम लोग मिलजुल के करेंगे। अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, सबको मिल के करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि मैं तो ज्यादा हिंदी नहीं कह सकती हूं, लेकिन कोशिश किया है। और हर कास्ट को, माताजी बहन को, माताजी बहनों, आप लोग बाहर में निकालो, बाहर में निकालिए, मींस आप लोग आके अखिलेश को सपोर्ट कीजिए। महिला लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो देश का रोशनी कुछ अलग से देखा जाता है। स्टूडेंट्स यूथ, आप इकट्ठा होकर रास्ता निकालने, आप तो कभी डरते नहीं है, आप तो हिम्मत से लड़ते हैं। हम भी जिंदगी में 40 साल संघर्ष किया, तब सीपीएम को हटाया, लेकिन इधर में लेफ्टिस्ट लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को साथ में भी बहुत सारे लेफ्टिस्ट का रिश्ता है, मैं उसको साथ बात किया है, दे आर ऑल्सो गिविंग यू फुल सपोर्ट हियर, उन्होंने मेरे को कल कहा। मैं भी कोशिश करेंगे जितने भी लोगों के साथ मिल होगा, बाद बाकी मीडिया को भी हम कहने चाहूंगी, देखिए हकीकत तो यही है, जो बीजेपी कहेगा वही आपको कहने पड़ेगा। हमारा स्टेट में भी ऐसा हुआ था, झूठा से कहते थे, क्या झुमला ना क्या बोलता है, फिर
जुमला, कहते थे 80-20, लेकिन लोगों ने दिखा दिया। और कहते थे स्लोगन देके, अबरी बार 200 पार, और इधर में बोलता है अबरी बार ऑक्युलस 300 पार। आपका स्लोगन मैं आपको लुटा दिया। आओ जीत लोकतंत्रों में छीन के नहीं, वोट देकर, अपन अपन वोट देकर आप अखिलेश जी को जिताइए। और अखिलेश जी मेरे को जब भी कहेंगे हम आएंगे और एक साथ में काम करेंगे। हम मैं चरण सिंह का जो बेटा है जयंत चौधरी से लेके जितना भी आपको लीडर है बहुत सारे जगह में, हमारा किसान लीडर जो है, हमारा जाट लीडर जो है, हमारा दलित लीडर जो है, हम आदिवासी लीडर जो है, हम माइनॉरिटी लीडर जो है, मुस्लिम, हम सबको कहेंगे, ओबीसी भी है, सब एक साथ में मिल जाओ। सब मिल जाओगे तो बीजेपी भाग जाएंगी, और यूपी से अगर आप हटा दो तो देश से हम हटा देंगे, ये वादा हमारा है। इसी के लिए इसका बार अखिलेश 300 से ज्यादा पार, इसका बार अखिलेश का सरकार, इसका बार यूपी में समाजवादी पार्टी का सरकार, इसका बार मां बहन का सरकार, इसका बार स्टूडेंट यूथ का सरकार, इसका बार दलितों का सरकार, इसका बार मुस्लिम का सरकार, इसका बार हिंदुओं का सरकार, इसका बार जाट का सरकार, इसका बार किसान का सरकार, इसका बार मजदूर का सरकार, और इसका बार देश का सरकार। यूपी बंगाल एक जो हो जाएंगे और सारे स्टेट देखो, ऑल रीजनल पार्टी मिलके हम लोग दिल्ली से बीजेपी के हटाएंगे, ये हमारा वादा है, वादा है, वादा है। मैं वादा का सत कहती हूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाबी जिंदाबाद। एक साथ में रहो, एक साथ में रहो, एक साथ में रहो, और हम ये देखने चाहते हैं विक्ट्री, विक्ट्री फॉर अखिलेश। क्या आप लोग जो चारी पास में है, चारी प्रांतर में, बहुत सारे प्रांतर में है किसान भाई लोग, आप लोगों को जब मूवमेंट चला था मैंने बहुत सारे टीम भेजा था, और मैं मोबाइल से भाषण दिया था बहुत दबे, पहले कोई नहीं गया था, तो मैं पहले आमने भाषण देने शुरू किया था। आपका मूवमेंट आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, जय जवान जय किसान ये नारा लेके आप आगे बढ़ो, हम आपका साथ में है, पूरा है, पूरा तरह रहेंगे। और जो 10 तारीख को वोट है उसका बाद में भी जो वोट है आप लोग शुरू करो, 100 से 100 वोट दे दो अखिलेश को, एक भी वोट बीजेपी का बाद में मत दो। जो लोग मरते हैं, भूखा मरते हैं, बेरोजगारी बढ़ाता है, कोविड पे बोलता है इंजेक्शन दिया है हमारा पैसा से, उसका कहां से आया पैसा, पब्लिक का पैसा से, पब्लिक को पैसा का ध्यान नहीं है, पब्लिक को पैसा लेके और पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। तो इसी के लिए मोगाम्बो को खुश रहने दो, मोगाम्बो खुश रहे, और यूपी का जनता एक दफे उसको जिता के, अखिलेश जी को जिता के यूपी का जनता देश में एक इतिहास बन जाए। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत नमस्ते, आप लोगों को सलाम, आप लोगों को सत श्री अकाल जी, आप लोगों को प्रणाम, आप लोगों को जय जय राम जी, आप लोगों को जो जो कहते हैं जय जोहार, आप लोगों को जय दलित, जय हमारा माँ बहन, सब एक साथ में मिलके आप काम करो, हम फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम आप लोग को सबके। मैं फिर 3 तारीख में आके बनारस में मीटिंग अखिलेश जी का साथ संबंधित करेंगे, और वो टाइम में मीटिंग का पहले हमको थोड़ा मिलेगा, व मीटिंग का बाद में हम थोड़ा सिद्ध दर्शन करेंगे, हमारा बहुत दिन का इच्छा है, और हम थोड़ा दिया जलाना देखेंगे कि ये भी हमारा इच्छा है। पहले हम इलाहाबाद कुंभ मेला सब जगह में मैं आए थे,
लेकिन उधर में मेरे को, हम बनारस में बहुत गया, मथुरा वृंदावन, मथुरा का पेड़ा कितना अच्छा है वो हम उसको भी मिला, लेकिन तब भी हम जब बनारस आएंगे हमको हम एक दिन रहेगा खाली हमारा वो काम करने के लिए, चुनाव का साथ उसको हम संबंध नहीं करेंगे, चुनाव अलग से मीटिंग करेंगे और वो दर्शन हम अलग से करेंगे। अच्छा रहिए, सुस्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। हेलो दीदी, दीदी एक सवाल इधर से ले लेंगी, दीदी 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 एक सवाल इधर से, दीदी दीदी इधर से एक सवाल ले ले दीदी, इधर से एक, अरे माइक है ना इधर, माइक अभी आप ले लेना इसका, एक सवाल ले दीदी, एक सवाल ये ले लें कि उत्तर प्रदेश में बंगाली समाज के लोग रहते हैं लगभग सभी जिलों में, लखनऊ से लेकर के तमाम जगहों पर, मेरे को क्या करेंगी? हमें बंगाली से सकल की बोलबो, एखने बंगाली यूपी नो डिफरेंस, ऑल वी आर टुगेदर, हम लोग एक साथ में करते हैं, अखिलेश को समर्थन करने के लिए मैं सबको बोलेंगे, और अखिलेश के समर्थन को करने के बाद और मथुरा से मेरे को प्यारा देना है, आप लोग जरूर मेरे को प्यारा खिलाएंगे, हाँ, और देखो खेला होबे, खेल होंगे और अखिलेश जीतेंगे, बीजेपी के साथ खेला होगा उसको हम मार्ट से आउट कर देंगे, बंगाल में जैसा आउट कर दिया इधर में भी आउट कर देंगे। अखिलेश जी देखो हम तो इतना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये यूपी का जो अखिलेश जी का बात है, तो उन्होंने मेरे को बनारस का बात कहा है, मैंने मान लिया, मैं बनारस में आएंगे, फिर कभी आएंगे। अखिलेश जी, अखिलेश जी अकेला है तो क्या है, अखिलेश जी अकेला नहीं है, अखिलेश जी अगर अकेला है तो उसका साथ पब्लिक 100% है, 1+99 इसको जुड़ो तो 100 हो गया, 1:1 लड़ाई होगा ना, इसकी बार अखिलेश का जीतने का बाद। अखिलेश जी, ममता जी प्लीज एक एक करके बोलो हम प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाली का प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब, एकला चलो रे, और आप कह रहे हैं सबको साथ में लीजिए, अखिलेश जी तो अकेले ही आ ही गए हैं, किसी से अलायंस नहीं किया है, और बंगाली का प्रोवर्ब है कि एकला चलो रे, नो दैट इज रविन्द्र संगीत टेगर संग, देर इज ए संग दैट यदि तो डाक्षुण के ना आसे एकला चलो रे, लेकिन अखिलेश जी अकेला नहीं है, हम लोग सब उसका साथ है, पब्लिक उसका साथ है, वो लड़ रहा है 1:1 बीजेपी का साथ, उसको लड़ाई का ताकत है, वो ताकत को हम प्रशंसा करते हैं। अखिलेश जी अरे अरे खेला होबे, वो तो शुरू हो गया, अब देखो ना वेस्टर्न यूपी के इलेक्शन है ना, वो लोगों ने खेला होंगे शुरू करेंगे, दे विल डिसाइड, लेट द गवर्नमेंट कम्स, इट इज अ गवर्नमेंट प्रेरोगेटिव, हम जैसा हमारा एनआरसी में हम नहीं करने दिया, हम एनपीआर नहीं करने दिया, इसी के लिए गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी होता है, और अखिलेश जी तो सेक्युलरिज्म कैरेक्टर है, उसको जो है वो देख के इसको देखेंगे, हम एनआरसी एनपीआर को सपोर्ट नहीं करता। अखिलेश जी आपके खिलाफ में भाजपा का मुख्य प्रचार ये है, जब आप क्षमता में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे, तो यूपी में जंगल राज, माफिया राज वो लौटा आएगा, अब क्या बोला? ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है, क्या क्या तब तो उसको वर्ल्ड का बेस्ट नोबेल प्राइज देना चाहिए, सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट हो जाएगा। अखिलेश जी बीजेपी की पूरी मशीनरी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सब उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, इसी कड़ी में कल स्मृति ईरानी जी प्रचार कर रही थी, उस दरमियान उन्होंने कहा कि सपा का ये हाल हो गया है कि बाहर से लोग बुलाने पड़ रहे हैं, ममता जी को लेकर उन्होंने ये तो उन्होंने कहा है, ये बोला है उन्होंने, कैराना में, जेवर में बोला है, जेवर नहीं छोड़ो, कहा है
पहले पूछो आप किधर का है। ममता जी एक सवाल हमारा है। आपने कहा कि यूपी हमारा दिल है, हमारी माँ है। आपने ये भी कहा कि यूपी से बहुत सारे प्रधानमंत्री चुन करके गए हैं। क्या 2024 में आप उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगी? अभी असेंबली चुनाव चल रहा है, वो हम अखिलेश के साथ आपस में बातचीत कर लेंगे। बंगाल में जिस तरीके से ओवैसी को फेल किया है, क्या यूपी में ओवैसी उसी तरह फेल हो गए? क्या आप लोगों ने ऐसे ऐसे नाम करते हैं, मेरे को पहचानता नहीं है आप, इतना पहचानता भी नहीं है। और बीजेपी को पूछो ना, बीजेपी का कोयल है सब। दीदी दीदी ममता जी, सच बोल रहा है वो, हर जगह में ऐसे कर रहे हैं वो, पेगासस। दीदी फोन टाइपिंग का भी एक मामला सामने आया समाजवादी, वो आपका फोन भी इन्हें टैप किया है, देखो सब मीडिया को, पेगासस डेंजरस। ममता जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो इमरजेंसी नहीं होती, जाति की राजनीति। ये तो ज्यादा इमरजेंसी का पिताजी हो गया भाई, ग्रैंडफादर हो गया, सॉरी पिताजी नहीं, ग्रैंडफादर, सुपर ग्रैंडफादर हो गया ये लोग इमरजेंसी का। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे है, हम तो फिर आएंगे रे भाई, ये तो हमारा देश है, ये तो हमारा राज्य है, यूपी हमारा भी राज्य है ना, जब अखिलेश जी बुलाएंगे हम आएंगे, एक साथ में करेंगे, आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है, हम लोग एक साथ में मिलके जुलके करेंगे। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि कोविड में सरकार ने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने केंद्र में हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि 4000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई स्पेशल, और 1,63,00,000 लोगों को भोजन कराया गया, और 2,00,00,000 से ज्यादा पानी की बोतलें दी है। दीदी, क्या 2024 में? अच्छा एक बात हम आपको कहते हैं, आपको जानकारी के लिए, वो तो कोविड का टाइम 5 kg राइस दिया था 6 महीने के लिए, हमारा स्टेट में अभी भी हम हर आदमी को फ्री रेशन देता है, 10 करोड़ आदमी को फ्री रेशन देता है, एक भी आदमी को, अगर कोई यूपी में भी रहे तो बंगाल का अगर उसका एड्रेस है तो उसको फ्री रेशन मिलता है, वो तो 6 महीना के लिए दिया दिखाने के लिए, और हम लोगों ने हर साल के लिए देता है। दीदी, क्या 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी? दीदी सुना नहीं। दीदी एक सवाल है कि आज मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, पिछली बार उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो क्या लग रहा है कि ये पूरे होंगे जो भी इस बार आए? ये अखिलेश जी का स्टेट है, उन्होंने लड़ाई कर रहे हैं, मैनिफेस्टो के बारे में जो बोलना है उन्होंने बोल देंगे, मैंने तो पहले ही बोल दिया मैनिफेस्टो ना मैनिफेस्टो क्या है, पॉलिटिक्स ही बिगड़ गया। Lucknow Life, my question to you is that if your party comes in power, what would be the ideal model of education of Uttar Pradesh? And the point that you have mentioned in your manifesto that you will provide 22 lakh jobs to the youth in the IT sector, so in what time period this task would be completed? Mamta ji, mera sawal aapse hai, dusra sawal hai, आपने कहा सभी धर्म और समुदाय के छोटे छोटे पार्टी को आकर अखिलेश जी का साथ देने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी अकेले सक्षम नहीं है क्या बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए? ही इज इनफ टू फाइट बीजेपी, लेकिन जब कोई जंग होता है तो सब आदमी को लेके एक साथ में चलने पड़ते हैं। खेला होंगे बीजेपी को अगर आउट करना है तो कौन मेरे को बॉल पकड़ाएंगे, बोलो कौन पकड़ाएंगे? ये तो वर्चुअल मीटिंग है, ज्यादा पब्लिक तो नहीं है, पब्लिक तो सब जाएगा जगह पे है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग मीडिया का हम थैंक्स देता है आपका और से सबको मिलेगा, तो हम बॉल किसको देंगे? किसी को तो लुटना है ना, ठीक है ना, खेला होगा, इसी के लिए अखिलेश जीतेगा, खेला होवे, हमारा बांग्लाय नियेछिलाम स्लोगन,
जावेद अंसारी जी एक गाना भी बना है खेला होगोने का, हिंदी में मैंने उनको देके किया था। हाँ, हिंदी में प्ले कर दो। बीजेपी क्या बोलता है उसको, जो उजाला है ना वो अंधेरा पहले ही हो गया।